आपका मतलब ये है कि आपने जो पार्लियामेंट में 5 साल कुछ अर्सा पीटीआई कुछ अर्सा एस पीडीएम के साथ गुजारा, वो सिर्फ आवाम के लिए गुजारा? हमने हुकूमत बनाने से ज़्यादा जमहूरियत को बचाने का टास्क था। समझते हैं कि आपका वोट बैंक आपसे नाराज हुआ होगा इस अमल से, या आप समझते हैं इससे वोट बैंक आपका खुश हुआ होगा कि आपने साथ? देखें, हमारे वोटर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उसको बता दिया कि खेल तमाशा है ये सारा। क्योंकि आइंदा जो आने वाली पार्लियामेंट है उसमें मियां साहब को पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं जी? उनको ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उनको वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। अब जमहूरियत कहाँ है? मग़रिबी जमहूरियत भी यहाँ नहीं, इस्लामी जमहूरियत भी नहीं है, दोनों नहीं है, ये तीसरे कोई चीज़ है, खुनसा मुश्किल है। अच्छा। ट्रांसजेंडर समझते हैं ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, जो जमहूरियत पाकिस्तान में है ये ट्रांसजेंडर है, तीसरा कसम है, तीसरा कसम है। वक्त में कहें पहले से पार्लियामेंट में ये सागा चेहरा आईंदा या चेहरा खत्म थींदा या ब्या ईंदा नवा ईंदा? सोचो, ये तो इलेक्शन थींदी या कोन थींदी? 2 साल तो इलेक्शन मुझे नजर नती अच्छे। अच्छा, ये नो इंकशाफ आ? हां, 2 साल तो मुझे इलेक्शन नती नजर अच्छे। पोती से तो आपको के खेदार सो पार्लियामेंट में को तो सारा पीपल्स पार्टी की वजह। आने वाले दिनों में जो आम इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट में यही चेहरे नजर आ रहे हैं आपको, या कोई और चेहरे नजर आएंगे, या वो ज्यादा प्रेफर किया जाएगा कानूनदान लेजिस्लेटर होंगे या सियासतदान होंगे जो सिर्फ तरक्याती बजट के पीछे भागेंगे? मुझे ये लग रहा है जी, मेरा जाती एक्सपीरियंस है, यही चेहरे आपको नजर आएंगे और मैं एक हंग पार्लियामेंट फ्यूचर में देख रहा हूँ।